आ गई तुम। क्यों, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगी? ऐसी मेहरबान मेरी किस्मत कहाँ, मेरे नसीब में तो तुम्हारी कैद में ही रहना लिखा है। इस जगह को तुम कैद कहते हो? इससे बदतरीन कैद और हो भी कह सकती है। मर्द हूं लेकिन औरत के दामन की पनाह में छुप कर जी रहा हूं। एक एक सांस मेरे लिए अजाब है। इस चार दीवारी में मेरा दम घुटता है। तो फिर आजाद क्यों नहीं हो जाते? किसने रोका है तुम्हें? तुमने मेरे जिस्म पर ही नहीं बल्कि मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर, यहां तक कि मेरी सोच पर, मेरे जज्बात पर रोक लगा रखी है, पहरे लगा रखे हैं। मैं तो सिर्फ एक लाश हूं, एक ऐसी लाश जो सांस लेने के लिए मजबूर है। शुक्र करो कि तुम सांस तो ले रहे हो। एहसान मानो मेरा कि मेरी पनाह में तुम जिंदा हो, वरना अब तक जेल की किसी अंधेरी कोठरी में तुम सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे होते। Shut up! अरे शारदा बहन, आइए आइए, यहाँ हूँ मैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आइए बैठिए इमृति बहन। अरे आप मुझे, आप तो इमी बुला सकते हैं, आपसे सब मुझे इमी बुलाते हैं। अच्छा, बात क्या, आप इतनी हाफ क्यों रही? अरे भाई देखो ना, क्या बताएं बहन जी, यहाँ तो मोटापे ने तो हालत कर रखी है मेरी। चार कदम चलती नहीं हूँ कि सांस फूलने लगती है। अब बताओ, इतने दिन से मैं तुम्हारे पड़ोस में आ गई हूँ, उसके बावजूद मैं मिल ही नहीं पा रही हूँ तुमसे। लेकिन आप तो गाड़ी से आई होंगी। हाँ, पर क्या है, मेरी गाड़ी भी हाँफ रही है मेरी तरह। हाँ भाई, खुशी के मारे जमाई के यहाँ जो आए हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं। इतनी मोटी सी बात आप नहीं समझी? देखिए, आपके पास एक बेटा है जिसका नाम अशोक है, पढ़ा लिखा, होनहार और जवान, खूबसूरत भी है। मेरे पास बेटी है जिसका नाम सिम्मी है, बहुत प्यारी है और पढ़ी लिखी, होनहार और जवान भी है। मैं उन दोनों का रिश्ता लेकर आई हूँ। अशोक के लिए रिश्ता लाई है? हाँ हाँ, मैंने कहीं देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी हमें इतनी जल्दी भी नहीं है। भाई जल्दी तो आपको करनी पड़ेगी बहन जी। क्यों, इतनी अच्छी लड़की आपके हाथ से निकल जाएगी? मैं उसकी तस्वीर भी लाई हूँ, देखिए ना। अरे चराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, बड़ी होनहार लड़की है मेरी। यहाँ वो सारे लोग जिनका रुपया तुम बर्बाद कर चुके हो, तुम्हें अब तक शर्म और जिल्लत की दर्दनाक मौत मार चुके हो, और तुम्हारा परिवार जो अब तक तुम्हारी राह में आंखें बिछाए बैठा है, तुम्हें लानत भेज रहा होगा। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, जस्ट शट अप। मैं तो अब तक चुप ही हूँ विनायक, बरसों से चुप हूँ। तुम मुझे बोलने पर मजबूर करते हो, बार बार ये याद दिलाने पर मजबूर करते हो कि किस तरह तुम बेनामो निशान दर दर भटक रहे थे, ठोकरें खा रहे थे। मैंने तुम्हें आसरा दिया, नई जिंदगी दी, वरना अब तक तुम्हारी लावारिस लाश किसी गली में पड़ी सड़ रही होती। Shut your bloody mouth! मैं पागल हो जाता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारे सिवा मेरी पिया और कौन समझ सकता है? लेकिन शकुंतला, जब भी मुझे बच्चों का ख्याल आता है और मैं शारदा के बारे में सोचता हूं, तो मैं परेशान हो जाता हूं। मेरी वजह से चार जीवन बर्बाद हो गए, ये ख्याल मुझे हमेशा कचोटता रहता है। तुम्हारा परिवार सुखी है विनायक?
मैं कल ही उन सबसे मिलकर आ रही हूं। अच्छा, कैसे हैं सब? अशोक आई सर्जन बन गया है, उसने अपना क्लिनिक शुरू कर दिया है। शारदा ने इसी खुशी में घर में पूजा रखवाई थी। सचमुच बहुत प्यारी। आपको सिमी पसंद आ गई? बस ये रिश्ता पक्का समझिए। मैं बहन, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए आप। मुझे अशोक से बात तो कर लेने दीजिए, शादी तो उसी को करनी है ना। आप अशोक को दिखाइए, जरूर उसे पसंद आ जाएगी सिमी। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी में क्या, चाय तो पीती जाइए। नहीं 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 बहन जी, शरबत बना लो आप। ना 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 बहन जी, अनर्थ हो जाएगा। मेरे पति देव कहते हैं कि जिस घर में बात चल रही हो वहाँ पे पानी भी नहीं पीना चाहिए। अभी बात बनी तो नहीं है ना? अरे बन जाएगी, बनने में कितनी देर लगती है। मुझे तो यहाँ ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहिए। अच्छा बहन जी, बाय बाय। बहन आप कमाल की औरत। यू नो व्हाट, आई हैड सो मच फन, आई कांट टेल यू। प्रेम है ना, मेरे लिए हमेशा क्रेजी गिफ्ट लाता रहता है। मेरा बॉयफ्रेंड है ना विक्रम, उसे तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। उसके साथ रहके रहके मैं खुद बोर हो जाती हूँ। विक्रम बहुत सिंसियर है रूबी, रियली लव्स यू एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तुमसे किसने पूछा है अंजलि जी? ए रजत, रजत वो लड़की को देख यार, वो ब्लॉन्ड बागड़ी क्या क्यूट है यार। यार वो नमकीन वाली लड़की कौन है यार? मुझे क्या नहीं, ऐसे अपनी जानकारी के लिए पूछा था। वैसे तुझे राज की बात बताऊं मैं, मुझे लड़की है ना, मुझे कोई महिला मुक्ति मानी थी तो चेयर वुमन लगती है। अरे यार ऐसी लड़कियों में जो गहराई होती है ना, ये तेरे समझ में नहीं आने वाली। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकती क्या? बिल्कुल नहीं दे सकती। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है इस मामले में। तुम एक बिल्कुल कठपुतली की तरह हो, इसके लिए तुम्हें आज तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला। अरे यार बॉयफ्रेंड बनेगा भी कैसे उस जमाने का लड़का ढूंढना चाहिए। अरे अरे उस जमाने का लड़का तो अब तक बहुत बहुत बूढ़ा हो चुका होगा, है ना अंजलि? बॉयफ्रेंड के बिना तो लाइफ में मजा ही नहीं है, लाइफ एकदम अकेली हो जाती है। नो स्पाइस, नो फन। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी अंजलि। चलो तुम सबको ये राज बता ही देती हूँ। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और वो इसी जमाने का स्मार्ट और मॉडर्न लड़का है। अरे हाँ, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? By the way, वो रहता कहाँ पे है? वो समुंदर में रहता है। समुंदर में? क्या वो पायरेट है क्या? वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। ओह माय गॉड, आई लव नेवी बॉयज। लो अब उसकी गहराइयों में डूब जाओ। नो प्रॉब्लम, कुछ पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तुम्हारे समझ में ऐसी लड़कियां नहीं आएगी, तुम्हें बस हाय बाय चाओ ये समझ में आता है। इसका नाम क्या है अंजलि? नाम नाम विनोद, कैप्टन विनोद। और सरनेम? पूरी, कैप्टन विनोद पूरी। लॉस एंजलिस से रोजाना चार चार ईमेल और फैक्स आ रहे हैं। डोंट यू रियलाइज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय पोजीशन? देखिए मिस्टर दत्ता, अगर आप मुझे कल तक डिलीवरी नहीं दे सकते हैं तो ये फैब्रिक का ऑर्डर मैं किसी और को दे दूंगा। राइट, ऑल राइट, टुमारो 10 AM शार्प। हाँ सॉरी भैया, बहुत बिजी है, लगता है मैं गलत पथ पे आ गई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो कशी आए, तुझे देखकर हमेशा दिल खुश होता है। जिंदगी से लड़ना कोई तुमसे सीखे, बहुत हिम्मत वाली हो। कैसी हिम्मत वाली भैया, हर बात पे तो तुमसे मदद मांगने के लिए आ जाती हूँ। जानती हूँ भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं, उसका दुख कुछ और है। क्या? उसकी सूनी गोद। तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं, उसके पास एक ही है। उसके पास पति तो है। पति बच्चों की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। एक औरत के लिए बे औलाद रहने से बढ़कर और कोई तकलीफ नहीं हो सकती, ये मुझसे बेहतर तुम समझ सकती हो। खैर छोड़ो इन बातों को। अजय कैसा है?
उसी के बारे में तो तुमसे सलाह लेने के लिए आई हूँ भैया। इस लड़के ने तो मुझे परेशान कर दिया है। खुद तो कोई नौकरी ढूंढता नहीं है और कोई लाके देता है उसे ठुकरा देता है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम कुछ मत करो। क्या मतलब? अजय आम लड़कों से अलग है, वो नौकरी भी अलग किस्म की करेगा। 9 से 5 वाली नौकरी तो वो कभी नहीं करेगा। तो ना करे, जो जी में आए करे। मैंने कब रोका उसे? कर लेगा, कर लेगा। तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दो। और सुनो, अजय बहुत स्वाभिमानी लड़का है। उसकी बेकारी का एहसास उसे दिलाओगी तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा। ये गलती कभी मत करना। मैं तो कुछ भी नहीं कहती हूँ भैया, कुछ भी नहीं कहती हूँ मैं उसे। वो खुद ही दुखी होता रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। क्या बात है, किसके सुख दुख की बातें हो रही हैं? अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते, बैठो ना। नहीं नहीं, बहुत देर से बैठी हूँ, अब तो चलूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने रंग में भंग डाल दी? What does that mean, Shakuntala? Nothing. मुझे लगा मैंने तुम दोनों की राजदाना बात में दखल दे दिया। हम सिर्फ अजय का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं। भैया मैं चलती हूँ, अंजलि भी कॉलेज से आती होगी। अरे बैठो ना, चाय तो पी कर जाओ। फिर कभी पी लूंगी भाभी, आज जरा जल्दी में आओ। अच्छा तो मुंह मीठा करके जाओ। जरूर। और सुनो, घर पहुंच कर फोन करना। जरूर कर लूंगी भैया। और विनायक एक ही साथ पढ़ते थे? मैंने पूछा, तुम और विनायक क्लासमेट थे ना? ये तुमसे किसने कहा? विनायक नहीं बताया, बहुत सालों पहले घर छोड़ने से। इतनी पुरानी बात अचानक कैसे याद आ गई तुमको? ये देखने के लिए कि तुम विनायक को भूल तो नहीं गई। अगर भूली नहीं हो तो एक फेवर चाहता हूं। शारदा मेरी बहन है, लेकिन मेरी बहन समझकर ना सही, अपने क्लासमेट की बीवी समझकर उसके साथ अच्छी तरह पेश आया करो। अरे तुमने अभी तक फोटोग्राफ्स भी नहीं देखे? अरे शादी नहीं करनी तो फोटोग्राफ्स क्या देखना? भैया लड़की बहुत सुंदर है, एक बार देख तो लीजिए। मुझे नहीं देखना है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कभी शादी ही नहीं करनी। शादी कर लूंगा माँ, पर सही समय आने पर। समय तो बिल्कुल ठीक है भैया, आप सर्जन बन गए हैं, क्लिनिक भी कितना अच्छा चल रहा है। अब जल्दी से एक भाभी ले आइए ना। अंजलि उसे क्यों डांट रहे हो? ठीक तो कह रही है वो। ऐसी ना समझी की बातें कर रही हो माँ। कितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है मुझे। अंजलि की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अजय का करियर सेटल नहीं हुआ, और आपको मेरी शादी की पड़ी है। दिस इज अटर नॉनसेंस भैया। तुम्हें मेरे करियर की वजह से अपनी शादी पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं ये समझना मेरा काम है अजय, लेकिन तुम्हारी शादी होने या न होने से मेरे करियर का कोई वास्ता नहीं। अब तो अजय भैया ने बाल भी कटवा लिए, अब ये रॉक स्टार नहीं बिल्कुल एग्जीक्यूटिव लगते हैं। अब इनको नौकरी मिली जाएगी क्यों? देखो पिताजी के एब्सेंस में मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम दोनों को सेटल कर दूं, ताकि दुनिया की नजर में द ग्रेट मार्टर बन जाऊं, है ना? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूं भैया, तुम ये सब दुनिया की वाहवाही बटोरने के लिए करना चाहते हो। एक्चुअली तुम्हें अपनी तारीफ सुनने का चस्का पड़ गया, लेकिन इसके लिए प्लीज मेरे करियर को एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास है, तुम पागल तो नहीं हो गए? हां सच बोलने वालों को अक्सर लोग पागल ही समझते हैं। चुप हो जाओ तुम दोनों। अजय तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो, अपने बड़े भाई की नियत पे शक करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, चुप हो जाओ तुम, चुप तो खाना खा लो।
मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरी सारी भूख उड़ चुकी है। अजय, अजय, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि अशोक तुमसे प्यार नहीं करता? भैया क्या करते हैं क्या नहीं ये मैं नहीं जानता माँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उनकी ये सब बातें सुनकर मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। ज़्यादा ही सेंसिटिव होते जा रहे हैं। समझ जाएगा, धीरे धीरे उसे भी अकल आ जाएगी। माँ इस तरह तुम हर बात पर उसे मनाती रहोगी तो ये सब बातें उसकी समझ में कब आएंगी? आ जाएंगे बेटा, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा। माँ हो ना तुम, दोनों मेरी दो आंखों की तरह। अगर एक आंख दुख जाती है तो मेरी नजर कमजोर हो जाती है। दोनों आंखें ठीक होती है तभी तो मैं सुख से देख पाती हूँ। ठीक है मैम, जैसे आप समझो। मुझे नींद आ रही है, कल सुबह 7:30 बजे का ऑपरेशन है। गुड नाइट। गुड नाइट। वो फिर से गई मेरी बात। नहीं जाएगी, मैं अभी ठीक करती हूँ उसे। नहीं बात आओगे अपनी हरकतों से, क्यों खाम खा परेशान करते हो इसे? तुम ही डांट रहे थे ना इसके घर पर, देखती हूँ। कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। कौन हो सकता है?